हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल आपकी मां आज इस पॉडकास्ट सीरीज के अंडर ना हम बोर्ड यूज करेंगे ना हम पेन यूज करेंगे हम बिल्कुल वैसे ही एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जैसे कि हम गाने सुनते हैं बिल्कुल उसी मस्ती के साथ बस आप मुझे सुनते जाइए और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको पूरा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा चैप्टर टिप्स पे करवा दूंगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्युलर यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो भी इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नंबर टू परफॉर्मिंग ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइफ यानी हम ये बोल सकते हैं कि जीवित रहने के लिए कम से कम एक सेल का बना होना चाहिए एनीथिंग लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग यानी मैं क्या बोल सकती हूं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आइए थोड़ी सी बात करते हैं सेल की खोज के बारे में सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक हुक ने Robert Hook ने रॉबर्ट 1665 में सेल को खोजा था और वो एक डेड सेल था बट फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यून हुक और उन्होंने पहला लिविंग सेल खोजा था स्टूडेंट्स इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में 1831 रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज में ईयर याद रखना है बिकॉज वो एनसीआरटी में दिया है आज तो हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पर पहले ये इतना ईजी नहीं था सो so, सबसे पहले हमें यह बताया था सेल थ्योरी के अंडर सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी है 1838 थर्टी एट 1839, थर्टी श्लीडन थियोडोर श्वान श्लीडन वाज़ अ बुटानिस्ट श्वान वाज़ अ जुलॉजिस्ट श्लीडन जर्मनी के थे और श्वान ब्रिटेन के हम कैसे याद रखेंगे श्वान श्वान को संस्कृत में श्वान कुत्ते को कहा जाता है और कुत्ता एक जानवर है यानी श्वान जी जुलॉजिस्ट थे तो श्लीडन हो गए बोटानिस्ट हमने हमेशा देखा है स्टूडेंट हॉलीवुड मूवीज में अंग्रेज लोग हैट पहन के कुत्ता घुमाते हैं तो जो डॉग घुमाएंगे यानी जुलॉजिस्ट वो इंग्लैंड ब्रिटेन के हैं और दूसरे साइंटिस्ट स्लीडन हो गए जर्मनी के हो गया टिप्स पर अब शीडन ने ये कहा था क्योंकि वो बोटानिस्ट है पेड़ों पे स्टडी की थी ऑल प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज सेल्स विच फॉर्म्स द टिश्यूज जबकि श्वान ने ये कहा था वो एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहे थे उन्होंने भी यही देखा था प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि एनिमल सेल्स में थिन कवरिंग होती है और उन्होंने ये भी बताया था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलती है एनिमल सेल में नहीं यानी सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ओनली प्लांट सेल जी हाँ स्टूडेंट्स इन दोनों की थ्योरीज को मिलाया क्योंकि बात एक ही कर रहे हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में और दी गई सेल थ्योरी सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल एंड देर प्रोडक्ट्स लेकिन तब तक यह नहीं पता था कि न्यू सेल कैसे बनता है इसमें हमारी हेल्प करी थी प्लीज नोट करिए रुडोल्फ वर्चाओ 1855 ये यह भी और इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी में दिया हुआ है रुडोल्फ वर्चाओ ने पहली बार बताया था कि नया सेल पुराने सेल से ही आता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स उन्होंने एक फ्रेज दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले ओमनिस मतलब न्यू न्यू सेल अराइज फ्रॉम ई मतलब एग्जिस्टिंग सेल

अब आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेल के टाइप्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं दो टाइप के सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आइए दोनों में फटाफट से बेसिक डिफरेंसेस चेक करते हैं का मतलब होता है न्यूक्लियस प्रो कैरियोटिक मतलब पुराने तरह का न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस है ही ही नहीं नहीं न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है जेनेटिक मटेरियल इज इज विदाउट इट लाइंग नेकेड इन द साइटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा यू कैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियोलस होगा और एक न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होगा नाउ पॉइंट टू प्रोकैरियोट में डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन और यहां पर यू में हिस्टोन के साथ डीएनए जुड़ा रहता है क्रोमैटिन का धागा बनाता है नंबर थ्री जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनि हैं वो प्रोकैरियोटिक में एबसेंट होंगे क्या होते हैं कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्री और प्लास्टिड कैरियोटिक में मिलेगा में नहीं मिलेगा सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं गोल्जी बॉडी एंड ये सब मेंटिक में मिलेंगी प्रो में नहीं मिलेंगी मेम्ब्रेन लेस होते हैं राइबोजोम एंड सेंट्रोजोम यू में मिलेंगे और इनमें से राइबोजोम प्रो में भी मिलेगा तो प्लीज नोट करिए प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल कौन सा मिलेगा राइबोसोम जो मेम्ब्रेन लेस है अब कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन है अपवाद है जैसे प्लीज नोट करो क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स क्रोमा मतलब कलर इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में अदरवाइज कहीं नहीं मिलते हैं अब इसी तरह से वैसे तो वैक्यूल्स सच्चे वैक्यूल्स कभी प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं पर गैस वैक्यूल्स फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन गैस वैक्यूल के अंदर हवा भरी है जो इसे बायोएनसी देगा हल्का करेगा ताकि सनलाइट को इजीली ट्रैप कर सके अच्छे से सब समझ में आ रहा है एक एक शब्द समझ आ रहा है ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं अब राइबोसोम भी डिफरेंस है यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के अंदर के साथ जो राइबोसोम्स हैं, वो 80S एस है हाँ माइटोकॉन्ड्री और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S एस है पर प्रो में तो होते ही 70S एस है राइबोसोम एस राइबोजोम मतलब दो सब यूनिट्स हैं फिफ्टी एंड थर्टी एस और 80s मतलब दो सब यूनिट है सिक्सटी और फोर्टीएस इसकी बात हम अभी हम थोड़ी सी देर में दोबारा से करेंगे आइए और क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं प्रो so, कैरियोटिक जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली न्यूक्लियस नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियोलस नहीं है स्टोन नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है एक्सेप्ट क्रोमैटोफोर्स इवन सेल वॉल में भी डिफरेंस होता है अगर हम यू की बात करें प्लांट के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज सेल्यूलोजी पेक्टिन इनकी बनी है फंगस के अंदर काइटिन की बनी है पर प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनती है पेप्टाइडो मतलब मतलब अमीनो एसिड, मतलब से मिलकर बनती है। प्रोकैरियोट में माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती इस बात को ध्यान रख लीजिएगा सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रो कैरियोट एंड यू कैरियोटिक सेल के बीच अब आइए हम देखते हैं क्या सारे सेल्स एक से शेप के होते हैं एक से साइज के होते हैं बिल्कुल नहीं एनसीआरटी लिखती है साइज शेप एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल वैर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेल का शेप किस पे डिपेंड करेगा उसे काम क्या करना है वैसे ही उसका आकार हो जाएगा आइए मैं आपको क्विकली रिवाइज कराती हूं लर्न कराती हूं शेप्स एंड साइजेस को सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं एनसीआरटी के डायग्राम में यू सेल का साइज है 10 टू 20 माइक्रोमीटर प्लीज ध्यान रखिए माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक का उसका ठीक वन टेंथ कर दो यानी वन से टू माइक्रोमीटर पीपीएलओ का और वन टेंथ कर दो यानी पॉइंट वन माइक्रोमीटर और वायरस जो लिविंग भी नहीं है पूरी तरह कनेक्टिंग लिंक है उसका है पॉइंट जीरो टू से पॉइंट टू माइक्रॉन डन नाउ थ्योरी में क्या दिया गया है थ्योरी में टिपिकल बैक्टीरिया को थ्री टू फाइव माइक्रॉन दिया है और माइक्रो को पॉइंट थ्री माइक्रॉन दिया है अगर मैं इन सब साइजेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा साइज मैंने वायरस का कहा पर वायरस तो लिविंग है नहीं वायरस तभी लिविंग है जब होस्ट के अंदर जाएगा यानी प्लीज नोट करिए पीवाईक्यू स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर होगा माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ अब लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का एक हमारे ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी राउंड है यानी उसका डायमीटर होगा 7 माइक्रोन डायमीटर ये सब माइक्रोमीटर्स में है डियर स्टूडेंट्स अब आइए शेप्स की बात करते हैं आरबीसी का शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है आरबीसी कैरम बोर्ड की गोटी की तरह है यानी राउंड या सर्कुलर बट बाय कॉन्केव ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और उसमें ढेर सारा हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके सो राउंड एंड बाय कॉन्केव ये उसका शेप है उसके काम के अकॉर्डिंग प्लीज नोट करिएगा लेकिन एक नर्व सेल जो है उसे दूर दूर खबर लेके जानी है तो लॉन्ग एंड ब्रांच है कॉलमनार एपिथीलियल के सेल्स भी लॉन्ग एंड नैरो में इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगी मीजोफिल सेल्स जो है लीव्स के याद आ रहा है जो एक तरह का पैरन है उसमें राउंड या ओवल है बैक uh, जो डब्ल्यू बी सी है यू नो न्यूट्रोफिल्स हैं मोनोसाइट्स हैं मैक्रोफेजेस हैं जिन्हें कुछ पकड़ के खाना है उनमें अमीबॉइड शेप है ट्रैकिड लंबे लंबे हैं वेसल्स और ट्रैकिड क्योंकि उन्हें दूर दूर तक पानी ले जाना है पाइपलाइन की तरह ये पूरी एन हम टिप्स पर कर रहे हैं सो हमने साइज की बात कर ली हमने शेप की बात कर ली और शेप उनके फंक्शन पर डिपेंडेंट हो गया आगे बढ़ जाते हैं अब आइए हम समझते हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल को एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर मिलेगा ग्लाइको कैलिक्सो ग्लाइको कैलिक्स छिपचिपा भी हो सकता है स्लाइमी लेयर या थिक टफ हो सकता है जिसे कैप्स्यूल कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स के ठीक अंदर की तरफ होती है सेल वॉल सेल वॉल जो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई है सेल वॉल का, का काम क्या होगा डियर स्टूडेंट शेप देना स्टेबिलिटी देना और उसे बर्स्ट या कोलैप्स होने से बचाना माइक्रोप्लाज्मा के अलावा सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलेगी हाँ आर की बैक्टीरिया में थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है तभी वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहती है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है इसके अंदर की तरफ इनर टू इट मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ ये क्वेश्चन भी आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह है इनफैक्ट यही एक स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में बिल्कुल सेम होता है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लाइपोप्रोटीनिशियस इसके बाद अंदर इसमें भी मैट्रिक्स भरा हुआ है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स हैं यही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है यानी इट इज द मेन एरिना ऑफ ऑल एक्टिविटीज द साइटोप्लाज्म इसके अंदर इसका नेकेड डीएनए पड़ा हुआ है इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा यह डीएनए ये न्यूक्लियोइड तो सारे सेल्स में होगा प्रोकैरियोट्स में बट कुछ बैक्टीरिया में हम जानते हैं प्लाज्मिड होता है प्लाज्मिड क्या है हम जानते हैं इससे थोड़ा छोटा यानी स्मॉल यह भी सर्कुलर है डबल स्टैंडर्ड है ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग है और अगर प्लाज्मिड है तो वो बैक्टीरिया को एक स्पेशल यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी दे दे उसमें ऐसे जीन्स हो या उसकी फर्टिलिटी बढ़ा दे इट कुड बी एनीथिंग सो कैसा है डीएनए चाहे प्लाज्मिड हो चाहे न्यूक्लियॉइड हो सिंगल है न्यूक्लियॉइड डबल स्टैंडर्ड है सर्कुलर डीएनए है नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन और क्या मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं मीजोजोम. मीजोजोम वेसिकल टिब्यूल सिस्टर किसी भी रूप में हो सकता है क्या फंक्शन है मीजोजोम का देखिए स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलने नहीं वाला है तो यहां पर उसका काम यही करेगी सो नंबर वन इस पर एंजाइम रेस्पिरेशन के नंबर टू ये सेल वॉल सिक्रीशन वो मटेरियल भी बनवाएगी क्योंकि यहां गोल्जी बॉडी नहीं है हैं एंड नंबर थ्री डीएनए की डबलिंग डीएनए का रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स ये सारे हैं मीजोजोम के फंक्शन हो गया सबके टिप्स पर अब कहीं कहीं पर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ भी मुड़ी हुई है आउटवर्ड एक्सटेंशन जिसे कहते हैं जिनसे बनते हैं पिली और फिमरी ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स ये पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है ये, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे ये अटैच

मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो नहीं मिलेंगे पर मिलेगा राइबोसोम। राइबोसोम 70S टाइप के हैं दो सब यूनिट्स है 50S एंड 30S। राइबोसोम का साइज याद रखो स्टूडेंट्स 15 बाई 20 यानी 15 बाई 20 नैनोमीटर राइबोसोम का काम वही होगा प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन सिंथेसिस नाउ केवल प्रोकैरियोट्स में कभी-कभी एक एमआरएनए पर बहुत सारे मेनी राइबोसोम्स आर अटैच ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए बहुत सारे राइबोसोम तो इसे कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम काम वही है इसका प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन ये नीट का पीवाईक्यू है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट एक-एक लाइन इस पॉडकास्ट की अपने को दिमाग में फिट कर लेनी है चलिए आगे बढ़ जाएं इसके अलावा और क्या मिलेगा इस में इनमें भी कोई नहीं है ये, बट इनमें हमें आनी चाहिए नंबर वन अगर ग्लाइकोजन भरा है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स विच इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भरा हुआ है तो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स और अगर फॉस्फेट भरा है तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स हो गया डन सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रो कैरियोटिक सेल अब प्लाज्मा मेम्रेन सेल वॉल और ग्लाइको कैलिक्स ये तीनों का अपना अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है पर तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं इसे बोलते हैं सेल एनवेलप तो सेल एनवेलप में सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स इनर टू इट सेल वॉल एंड इनर टू इट इज द प्लाज्मा मेम्रेन राइट नाउ स्टूडेंट ये जो प्रो कैरियोटिक सेल्स हैं स्मॉलर होंगे द सेल ये साइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं और बैक्टीरिया शेप के आधार पर चार तरह का हो सकता है लड्डू जैसा गोल गोल कोकस धागे जैसा लंबा बैसिलस कॉमा शेप्ड विब्रियो और स्पाइरल आइए स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं यू कैरियोटिक सेल पर यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें सबसे पहले आइए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में मिलती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्लांट एनिमल सब में मिलती है प्रोकैरियोटिक में मोनेरा किंगडम आ चुका है यानी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ और आरकी बैक्टीरिया डन यूकैरियोटिक में किंगडम प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमिलिया आएंगे आइए स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है आउटर है सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल है और लिविंग स्ट्रक्चर है यह मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी है हालांकि थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है अब अलग अलग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यानी वेरिएबल होता है हमारी एनसीआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लीज ध्यान रखिएगा लिपिड 40 परसेंट और प्रोटीन 52 परसेंट आइए आपको ट्रिक से याद करवा देती हूं प्रोटीन पर से प्रोटीन और पर से पांच तो पांच मतलब पांच से जो शुरू हो रहा है प्रोटीन आप ऐसे याद रख लीजिए लिपिड का एल लिखो सब कैपिटल एल उसमें एक डंडा खींच दो तो बन गया चार यानी चालीस तो चालीस परसेंट है लिपिड्स अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है रिजिड नहीं होना चाहिए इसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेड रीसेंट मॉडल जो है वो है फ्लूड मोजाइक मॉडल किन्होंने दिया था सिंगर एंड निकोलसन कब दिया था 1972 में आई होप सारे साइंटिस्ट और यर्स जो एनसीआर के हैं वो आपने एक पेज पर कहीं लिखे हुए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए चलिए सो सिंगर निकोलसन मॉडल क्या कहते हैं ये कहते हैं फ्लूड मोजाइक मॉडल मतलब कि ऐसा समझो कि समंदर है जिसमें हिमखंड है या ऐसा समझो चाशनी है जिसमें गुलाब जामुन है यानी ये समंदर सी है फॉस्फो लिपिड का और उसमें आइसबर्ग्स हैं प्रोटीन्स के जी हाँ स्टूडेंट्स इसमें लिपिड की बाय लेयर है कौन सा लिपिड फॉस्फोलिपिड जिसके बीच बीच में प्रोटीन्स हैं और साइड्स में भी प्रोटीन्स हैं मैं क्विकली दोबारा बोलती हूं एक पार्ट है लिपिड एक पार्ट है प्रोटीन लिपिड में मोस्ट कॉमनली फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा वाला लेसी थिन. इसका स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में भी दिया हुआ है इसके अलावा लिपिड की टेल्स के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी मिल सकता है प्रोटीन फिर दो तरह के एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मतलब दोनों सरफेस पे बाहर हैं इंट्रेंसिक इस लिपिड की बाय लेयर में पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड है यानी आधार क्या है एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक का इज ऑफ एक्सट्रैक्शन एक्सट्रेंसिक को जल्दी से खींच के बाहर निकाल सकते हो इंट्रेंसिक में मुश्किल होगी इजीनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन थोड़ी सी बात फास्फोलिपिड की और करते हैं फास्फोलिपिड में एक हेड होता है और दो टेल होती हैं। हेड होता है हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक कैसे याद रखोगे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए सर पे पानी पड़ता है सर को पानी से प्रेम है यानी हेड है हाइड्रो लविंग वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पर टेल्स को डर लगता है फोबिया है इसीलिए तो लिपिड इस तरह से अरेन्ज है कि हेड्स Towards है और टेल्स प्रोटेक्टेड इन साइड है ताकि दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट नाउ ये तो हमने बात करी लिपिड और प्रोटीन पार्ट की अब इसमें शुगर कहां है शुगर लिपिड और प्रोटीन से अटैच होती है जो बनाती है ग्लाइको कैलेक्स अब स्टूडेंट्स ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी देता है यानी उसे कड़क नहीं बनाता है फ्लुइडिटी का क्या मतलब है किसका मूवमेंट हो रहा है देखिए मैंने समंदर किसको बोला है फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोलिपिड में दो तरह के मूवमेंट होते हैं एक लेटरल ये दो फॉस्फोलिपिड इधर के इधर आ गए विद इन द सेम लेयर या अपर लेयर का लोअर में लोअर का अपर में फ्लिप फ्लॉप तो लिपिड में दो तरह का मूवमेंट होता है लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप और लिपिड में क्योंकि एक फ्लूडिटी है उसी के कारण प्रोटीन भी हल्का हल्का लेटरल मूवमेंट करता है ये पी वाई क्यों आया हुआ है प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है ये जो मूव करने की कैपेसिटी है इसे ही फ्लूडिटी बोलते हैं फ्लूडिटी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन एक्सप्लेन होते हैं समझिए पहला सेल की ग्रोथ जिसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए सेल का डिवीजन फिर दो सेल के बीच यानी इंटरसेल्यूलर जंक्शन सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस ये सभी एक्सप्लेन होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अलावा स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं मेम्ब्रेन में धसे हुए प्रोटीन पंप्स की हेल्प से जैसे सोडियम पोटेशियम पंप लेकिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट उसमें भी अगर प्रोटीन की हेल्प लगेगी फैसिलिटी लगेगी तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बिना प्रोटीन के नॉर्मली होगा तो सिंपल डिफ्यूजन इसकी ढेर सारी डिटेल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हम पढ़ते हैं अब आ जाइए नेक्स्ट सेल वॉल पे सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है पर एनिमल्स में नहीं मिलेगी प्लांट्स में मिलेगी एल्गी में मिलेगी फंजाई में मिलेगी अब ये rigid structure है और ये नॉन लिविंग है डेड स्ट्रक्चर है ये shape देगा support देगा और burst या होने से से को बचाएगा cell wall में प्लीज ध्यान सुनिएगा एल्गी की सेल वॉल वैसे तो एल्गी प्लांट किंगडम में ही आता है पर एलगी की सेल वॉल में सेल्यूलोर्स तो होगा प्लस प्लीज नोट करिए गैलेक्टर्स मैन एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है जबकि अदर प्लांट्स में सेल्यूलोज हैमी सेल्यूलोज और पेक्टिन एंड प्रोटीन ये प्रोटीन छूट जाता है अपने से सेल्यूलोज हेमी पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी है और फन जाए हम जानते हैं काइटिन प्लस थोड़ा बहुत सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड भी होते हैं पर काइटन इज द मेन थिंग सो ये हो गया सेल वॉल का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस अब आइए पढ़ते हैं सेल वॉल बनती कैसे है सबसे पहले जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो सेंटर में माइक्रो टिब्यूल्स के टुकड़े जिन्हें फ्रैगमो बोलते हैं आ जाते हैं फिर गोल्जी बॉडी पैक्टिन जमा करवाती है यानी बनती है सेल प्लेट और फिर उसमें कैल्शियम जुड़ता है तो बनती है मिडिल लैमिला क्या है दो नेबरिंग सेल्स को ग्लू होल्ड करने वाली सीमेंटिंग लेयर कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर बनेगी पहले प्राइमरी वॉल फिर उसके ऊपर बनेगी सेकेंडरी वॉल यानी जब पेड़ यंग है तो प्राइमरी वॉल मिलेगी जो फ्लेक्सिबल है क्योंकि अभी सेल को ग्रो करना है, है। समझिएगा बीच में अगर लैमेला है तो साइटोप्लाज्म की तरफ अंदर की तरफ पहले प्राइमरी वॉल बनी और अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनी यानी सेकेंडरी वॉल बन रही है टर्ड्स द प्लाज्मा सेल वॉल तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ ली अब आ जाइए हम आ जाते हैं इसके सेल ऑर्गेनेल्स पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल मेंब्रेन वालों की स्टूडेंट्स ई आर गोल्जी बॉडी लाइजोजोम दोबारा बोलती हूँ ई आर गोल्जी बॉडी लाइजोजोम इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है इसीलिए इन्हें पढ़ते हैं एंडोमेंब्रेन सिस्टम के अंदर चारों में सिंगल मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के अंदर यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड परॉक्सीजोम और किसी के भी फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दीज फोर दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आइए बात करते हैं सबसे पहले की एक फैला हुआ जाल है है, 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 है में 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 हो 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 सकता है, में हो सकता सकता पूरा है में और इसके कारण साइटोप्लाज्म में दो हिस्से हो जाएंगे एक जो ईआर के अंदर है इंट्राल्यूमिनल इनसाइड ईआर और एक जो ईआर के बाहर है एक्स्ट्राल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म अब ईआर ER जो है ये दो टाइप की होगी अगर इस पर राइबोसोम अटैच रहे तो आरईआर रफ ईआर और नहीं है तो एसईआर यानी स्मूथ ईआर आरईआर का काम होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेcretion और एसईआर -E का होता है लिपिड एंड स्टेरॉइड यानी जो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वो सब भी एसईआर -E ही बनाएगी आरईआर पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर वाली उसके साथ भी एसोसिएटेड रहती है आपको पता है स्टूडेंट्स जब सेल डिवीजन होता है जब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है टीलो में दोबारा बनती है तो रीफॉर्मेशन भी आर ई आर से ही होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दिस इज अबाउट ई आर ने प्रोटीन और लिपिड और स्टेरॉइड बना दिए अब हमें उनकी पैकेजिंग करनी है आइए हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस पर पोस्ट ऑफिस ऑफ उफ द सेल यानी बॉडी या या इन्हें इसकी खोज की थी कैमिलो ने 1898 मैं कैसे याद रखती हूं उन्नीस आने के दो साल पहले 1898 ईयर एनसीआरटी में दिया इंपॉर्टेंट एम आईडिया सो एटीन नाइनटी ने नियर द न्यूक्लियस एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखा था ये किसका बना है सिस्टरनी का सिस्टरनी क्या होती है स्टूडेंट फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक के ऊपर एक कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है यह इस तरह से अरेंज्ड है कि एक कॉन्वेक्स हिस्सा बनता है एक कॉनकेव मिलता है ईआर में जो भी प्रोटीन लिपिड बने हैं वो थैली वेसिकल्स के रूप में सि वाले पार्ट के साथ फ्यूज करते हैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन होना है शुगर वगैरह जोड़ना है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है तो वो काम गॉल्जी करेगी वरना गोल्जी पैकेट बनाएगी और ट्रांस फेज जो है कॉनकेव फेज जो है वहां से यह पैकेट निकलेगा सो वन कॉन्वेक्स फेज वन कॉनकेव फेज कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेज है कॉनकेव मेच्योरिंग फेज है कॉन्वेक्स को सिस कहते हैं कॉनकेव को ट्रांस कहते हैं कॉन्वेक्स के साथ ईआर ER के वेसिकल्स जो प्रोटीन लिपिड लेकर आए हैं वो कनेक्टेड है और यही कारण है कि गोल्जी बॉडी हमेशा ईआर ER के आसपास ही पाई जाएगी आइए स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सिस्टर्नी है वो सब कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है पॉइंट से वन माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है आधा से एक माइक्रोमीटर यानी ट्रांसफेज डिफरेंट है अलग अलग है बट इंटरकनेक्टेड है तभी तो माल इधर का उधर पहुंचेगा ये right. जो होती है इसके functions को याद करने की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं पीपीटी पैकेजिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल दूसरी ट्रिक है गैस वीएलसीसी गैस जी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन ए से एक्रोजोम स्पर्म की टोपी यही बनाता है एस मतलब सिक्रीशन वी मतलब विटालोजेनेसिस यानी का बनना एल मतलब विटालोजेसिसम इसी गोल्जी बॉडी के पैकेट्स निकलेंगे अभी हम देखेंगे लाइजोजोम सी से वो जो सेल वॉल बनी थी साइटोकाइनेसिस हुआ था वो सब भी गोल्जी करवाती है ठीक है आप सब भूल जाओ तो पीपीडी पैकेजिंग प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जरूर आना चाहिए आइए अब हम आ जाते हैं लाइजोजोम पे ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है लाइजोजोम क्या है भाई अगर गोल्जी से ऐसा पैकेट निकला जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड DNA, RNA को digest करने वाले enzymes हैं। यानी तो उसी पैकेट को कहेंगे लाइजोजोम लाइजोजोम जो है स्टूडेंट्स इसके एंजाइम्स एसिड पीएच पे काम करते हैं Pyq भी आया हुआ है एसिड पीएच मतलब फोर टू फाइव पीएच पर काम करते हैं

हाइड्रोलेजेस जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट डीएनएर बनता है तो बॉन्ड बनते पानी निकलता है यहां पानी एड होके बॉन्ड टूटेगा हाइड्रो पानी के एडिशन से बॉन्ड टूटेगा लाइसिस होगा तो हाइड्रोलेजेस एसिडिक पीएच पे काम कर रहे हैं तो एसिड हाइड्रोलेजिस तो लाइजोजोम कहेंगे तो देखिए ना तीनों का फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है तभी तो हम इसे कह रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाउ इसके बाद आ जाएगा माई डियर स्टूडेंट्स वैक्यूल वैक्यूल को मेम ऑर्गेनेल नहीं मानते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कहा गया है एनसीआरटी में ये

वैक्यूल के अंदर डालती है ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर बहुत है यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में अपन साइटोप्लाज्म से उठा के डाल रहे हैं यानी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिवली पंप करती है दिस इज अबाउट वैक्यूल ये तो सैप वैक्योल है जो प्लांट्स में मिलता है पर एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं दो हमें आने चाहिए फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्योल प्लीज ध्यान दीजिए फूड वैक्यूल प्रोटेस्ट में मिलेगा और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा हालांकि अमीबा भी एक प्रोटेस्टा ही है सी ए से याद रख सकते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा यानी सी ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है वॉटर का रेगुलेशन ऑस्मो एक्सक्रीशन फूड वैक्यूल का काम होता है उसके अंदर खाना एनगल्फ कर देना डाइजेस्ट कर देना सो दिस इज अबाउट वैक्यूल आइए आगे बढ़ते हैं अब हम आ जाते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पर इसमें आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है डियर स्टूडेंट्स इन दोनों में ही आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगी पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी अलग अलग है अलग अलग सेल टाइप्स में और इनका नंबर भी अलग अलग है इनका मेन काम एटीपी बनाना है तो जितना एक्टिव सेल होगा उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे मोस्ट कॉमनली तस्करी शेप का यानी सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप का होता है इसका साइज है ध्यान से सुनिएगा एक से चार कैसे याद रखोगे एक से सो से माइक्रोन लेंथ एंड पॉइंट टू से वन माइक्रॉन प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट बताऊंगी देखो एक से चार, so चार माइटोकॉन्ड्रिया हो गया फोर मतलब फोर पॉइंट वन और प्लास्टिड पांच से दस तो एक से चार पांच से दस ऐसे याद रखेंगे हम ठीक है नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आ गई है इसे बोलते हैं या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और अंदर जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड तो ये दो मेम्ब्रेन ने पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया एक आउटर कंपार्टमेंट आउटर चेंबर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और एक इनर कंपार्टमेंट विच इज द मैट्रिक्स नाउ मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाएगा मैट्रिक्स के अंदर डीएनए पाया जाएगा बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा यानी सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया जैसे राइबोजोम सेवेंटी एस राइबोसोम्स पाए जाएंगे और लिंक रिएक्शन और साइकिल के एंजाइम्स पाए जाएंगे इनर मेमब्रेन में इन फोल्डिंग्स हैं लाइक जिन्हें क्रिस्टी बोलते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए क्योंकि इनर मेमब्रेन पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एफ जीरो एफ वन पार्टिकल यानी ऑक्सीजो इसके अलावा प्लीज ध्यान दीजिएगा साइकिल के सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में मिलते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस जो इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं खुद का डीएनए है खुद के प्रोटीन हैं खुद के आरएनए भी बनता है तो मैट्रिक्स में डीएनए है राइबोजोम है, आरएनए है प्रोटीन बनाने वाली सारी मशीनरी है अब आ जाइए हम आते हैं प्लास्टिड्स पर प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दो चेम्बर्स इसमें भी बनेंगे प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पर तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट क्लोरो मतलब ग्रीन इसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ज्यादा है हाँ थोड़े बहुत कैरोटिनॉइड जैंथोफिल्स भी हैं क्रोमो मतलब कलर्ड इसमें क्लोरोफिल कम है और रेड ऑरेंज एंड येलो रॉय से याद रख सकते हो यानी कैरोटीनॉइड जैंथोफिल्स ज्यादा हैं और ल्यूको मतलब व्हाइट या कलरलेस इसमें कोई पिगमेंट नहीं है अब क्लोरोप्लास्ट हम अभी सीखेंगे फोटोसिंथेसिस करेगा सनलाइट ट्रैप करके जबकि क्रोमोप्लास्ट सुंदर सुंदर कलर देंगे ताकि फ्लावर से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट्स आए पॉलिनेशन के लिए और फ्रूट से अट्रैक्ट हो एनिमल्स और सीड दूर दूर फैलाई जाए ल्यूकोप्लास्ट का काम है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना कौन से न्यूट्रिएंट्स? ध्यान से सुनिए अगर स्टार्च होगा तो स्टार्च के लिए अमाइलो वर्ड यूज करते हैं अमाइलो अगर प्रोटीन स्टोर होना है प्रोटीन के लिए एल्यूरो बोलते हैं याद है मेज मक्के में एल्यूरोन लेयर होती है प्रोटीन वाली एल्यूरोप्लास्ट और अगर लिपिड करते हैं इलायची खाते हैं मुंह में तो तेल तेल आता है इलायोप्लास्ट नाउ आइए अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट जो है इसका नंबर अलग अलग हो सकता है एनसीआर बताती है ध्यान से सुनिए क्लमाइडोमोनास जो यूनिसेल्यूलर एल्गी है उसमें एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है जबकि लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स में पर सेल 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट है कैसे याद रखोगे ट्रिक बताती हूं वन टू का फोर फोर टू का वन का फोर यानी है क्लोर, में और टू और और फोर्टी अलग अलग हो सकते हैं डिस्कॉइडल हो सकता है डिस्क टाइप का या पॉलीगोनल हो सकता है या कप शेप्ड हो सकता है या स्पाइरल रिबन शेप हो सकता है नाउ इसमें भी दो हैं आउटर और इनर आउटर वाली मेम्रेन हमेशा मोर परमिएबल है क्योंकि उनमें पोरिन प्रोटीन मिलते हैं ये बात हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ते हैं से मैट्रिक्स, इसे स्ट्रोमा कहते हैं यहां पर भी वही मैट्रिक्स की तरह सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएन सेवेंटी एस राइबोजो है प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है बट कुछ और भी है क्या है आइए समझते हैं इसमें मेम्ब्रेन के ही बने हुए मेम्ब्रेनस, सैक, थैले जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं थैला मतलब मिलते है। बनाते है, एक के ऊपर ग्रैनम तो थाइलाकॉइड और उनकी गठरी यानी बहुत सारे ग्रैनम मिलेंगे दो ग्रैनम को कनेक्ट जो करता है वो भी फ्लैट है वो भी मेम्ब्रेनस है पर ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूल है जिसे स्ट्रोमल लैमिली बोलते हैं इन सबकी मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं और इनके अंदर जो स्पेस है ल्यूमन कहलाती है नाउ हम जानते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट में लाइट रिएक्शन हो गया आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे और उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ए टी पी एन ए डी पी एच टू अब वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे यानी खाना जहां बनेगा रुबिस को जहां होगा वो होगा हमारा स्ट्रोमा आप कैसे याद रख सकते हो डॉक्टर साहब डॉक्टर मतलब डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम्स स्ट्रोमा में मिलेंगे सो so, ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है सो दिस इज अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट तो हमने ईआर गोल्जी बॉडी लाइजोजोम वैक्यूल देख लिया और हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़ लिए अब आइए हम आते हैं मेम्ब्रेन लेस पर सबसे पहले हम राइबोसोम की बात करते हैं राइबोसोम को जॉर्ज पलाडे ने खोज किया था नाइनटीन में ये ईयर भी आना चाहिए तो एक गोलजी में कैमेलोगॉल्जी 1898 पढ़ा सिंगर निकोलसन मॉडल 1972 पढ़ा और राइबोसोम जॉर्ज पेलडिन 1953 पढ़ा राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है सबसे छोटा सा इसका साइज होता है अच्छा क्लोरोप्लास्ट 5 से 10 माइक्रोन लंबाई 2 से 4 विड्थ होती है ठीक है नाउ राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूलर दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम कहां कहां मिलेगा ये ओनली सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा प्रोकैरियोट में सेवेंटी एस टाइप का यू के साइटोप्लाजम और ई ER आर से कनेक्टेड एट्टी एस और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर सेवेंटी एस टाइप का नाउ ये सभी राइबोसोम टू सब यूनिट्स के बने हैं जिन्हें मैग्नीशियम आयन ज्वाइन करते हैं Mg2+ टू प्लस जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है उस टाइम पर नाउ क्विकली सेवेंटी एस में फिफ्टी एंड थर्टी एस है और सिक्स एट्टी एस में

एंड देयर डेंसिटी है राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल सो माय डियर स्टूडेंट्स माइडेंट है पावर हाउस जहां एटीपी बनेगी क्लोरोप्लास्ट है किचन जहां पे खाना बनेगा गोल्जी बॉडी है पोस्ट ऑफिस जहां पे पैकेजिंग पैकेट्स बनेंगे चिट्ठियां पहुंचाई जाएंगी Lysosome है सुसाइड बैग ऑफ द सेल और राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल अब आ जाते हैं हम एक और मेम्ब्रेन लेस पर उसको पढ़ने के पहले हमें आना चाहिए स्केलेटन मतलब मतलब का स्केलेटन uh, ढांचे का क्या मतलब है स्टूडेंट जैसे हमारा स्केलेटन हड्डियां बनाती है ऐसी सेल में प्लीज ध्यान से सुनिए फैले हुए इलेबोरेट जाल नेटवर्क है फिलामेंटस धागे जैसे प्रोटीन का माइक्रोफिलामिन सबसे पतले उससे मोटे इंटरमीडिएट और सबसे मोटे माइक्रो टिब्यूल्स का ये सब मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं स्केलेटन की तरह ये उस सेल को शेप देते हैं स्ट्रक्चर देते, है, देते, है, देते, है देते हैं स्टेबिलिटी देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और मोटिलिटी देते हैं मोटिलिटी क्यों देते हैं क्योंकि इन्हीं माइक्रोटिब्यूल से अभी हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला बनता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब आ, हम आ जाते हैं सबसे पहले सीलिया और फ्लाजिला पे ध्यान से सुनिए सीलिया और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है यानी हमेशा उनके चारों तरफ दे विल बी सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीलिया को ऐसा समझो मैंने आपसे बाजार से बोला कि जाओ ट्वेंटी ट्वेंटी माइक्रो ट्यूब्यूल के पाइप्स लेकर आ जाओ आप लेकर आ गए मैंने आपसे बोला इनमें से नौ दुगड्डे बना दो नौ के जोड़े बना दो दो दो, 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 दो। कितने हो गए नाइन टू एटीन और दो पाइप सेंटर में रख दो सो नाइन पेरीफेरल डबलेट्स टिब्यूल प्रोटीन माइक्रोटिब्यूल के बने हुए और दो सेंट्रल सिंगलेट्स हैं अब हम इसका टीएस कट करेंगे तो हमें सब कुछ गोल गोल दिखेगा बस अब मुझे कुछ नहीं करना है इन डबलेट्स को भी प्रोटीन से जोड़ दो इस सेंट्रल में जो दो सिंगल सिंगल हैं, उनके चारों तरफ सेंट्रल शीत प्रोटीन की बना दो और उन्हें इन पेरिफेरल डबलेट से जोड़ दीजिए अगेन प्रोटीन के रेडियल रेड रेज जैसे निकल रहे स्पोक्स तीलियों से और चारों तरफ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लीज ध्यान से सुनिए दोबारा से नाइन पेरीफेरल माइक्रोटिब्यूलर डबलेट कनेक्टेड बाय इंटर डब्लेट ब्रिजेस टू सेंट्रल सिंगलेट अगेन माइक्रोटिब्यूल के बने हुए सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ एंड कनेक्टेड टू पेरिफेरल डबलेट विथ नाइन रेडियल स्पोक्स ये होता है स्टूडेंट सीलिया का एक्जोनिंग फ्लैजिला का एक्जोनिंग यानी फिलामेंट की बात कर रहे हैं परियराइज होता है बेसल बॉडी से विच इज अ अट्रियोल जो अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूं सीलिया और फ्लैजला में क्या अंतर है दोनों ही मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं सीलिया स्मॉलर है फ्लैजला लॉन्गर है सीलिया चप्पू की तरह एक साथ चलते हैं दे वर्क लाइक ओअर्स मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड करते हैं जबकि फ्लैजला हंटर की तरह चलता है यूकैरियोट में 180 डिग्री और मूवमेंट ऑफ ओनली सेल करता है हो गया क्लियर चल अब हम आ जाते हैं सेंट्रियोल पे सेंट्रियोल के लिए हमें पढ़ना है सेंट्रोजोम एक्चुअली ऑर्गेनेल तो सेंट्रोसोम है एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स 180 डिग्री पर हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड थोड़ा सा चारों तरफ एमोरफस बिना आकार का पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है ये बन गया एक सेंट्रोजोम कोई मेम्ब्रेन नहीं है राइबोजोम और सेंट्रोजोम दोनों ही मेमब्रेन लेस होते हैं सेंट्रोजोम केवल एनिमल्स में पाए जाएंगे प्लांट में नहीं पाए जाएंगे मैं फिर से कहती हूं सैप केवल पेड़ों में है मिडिल लैमिला पेड़ों में है सेल वॉल पेड़ों में है प्लास्टिड क्लोरोप्लास क्रोमोप्लास ल्यूकोप्लास पेड़ों में है प्लांट के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं प्लाज्मोडेस्मेटा वो जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं ये बताना हमारा रह गया है मिडिल और प्राइमरी वॉल को ट्रांसवर्स करते हुए ट्रावर्स करते हुए प्लाज्मोटा भी केवल प्लांट्स में है तो बहुत सारी चीजें जो केवल प्लांट में है तो प्लांट कहता है मेरे पास है मेरे पास मिडिल है मेरे पास सेल वॉल है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है मेरे पास क्रोमोप्लास्ट है मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट है मेरे पास प्लाज्माटा है तुम्हारे पास क्या है तो एनिमल सेल बोलता है मेरे पास मां है नहीं मेरे पास सेंट्रोसोम है सेंट्रोसोम इज फाउंड इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम इज इक्वल टू टू सेंट्रियोल्स एट 90 डिग्री सराउंडेड बाय पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल अब एक सेंट्रियोल कैसा होता है सेंट्रियोल बनाने के लिए मैंने आपको फिर से बाजार भेजा और आपसे मैंने कहा सत्ताईस ट्वेंटी सेवन माइक्रोटिब्यूल के पाइप्स लेकर आ जाओ और तिगड्डे बना दो तुड़वा जैसे हेरा फेरी में बोलता है ना परेश रावल हम जुड़वा नहीं हम तुडवा हैं। तो सत्ताईस पाइप आप लेकर आए थ्री 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 करके यानी नाइन ट्रिपलेट्स बना दिए बीच में कोई पाइप नहीं है बस ऐसे ही प्रोटीन हब हब मतलब सेंटर में प्रोटीन रख दिया और प्रोटीन से ही उस हब को पेरीफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट कर दिया यानी नाइन रेडियल स्पोक्स यहां भी बनेंगे पर यहां सराउंडेड बाय कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा जैसा कि सीलिया प्लाजिला में था सो so, यहां पर है नाइन वहां भी थे नाइन पर वहां डबलेट्स थे या ट्रिपलेट्स हैं नाइन माइक्रो माइक्रोटिब्यूलर ट्रिपलेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सेंटर में सीलिया प्लाजिला में दो सेंट्रल सिंगलेट थे यहां पे सिर्फ प्रोटीन का हब है और यहां भी नाइन रेडियल स्पोक्स होंगे Centriole है ये एक स्टूडेंट ऐसा ही एक सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है जिससे सीलिया फ्लैजिला का अराइज करता है इसके अलावा का काम होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो आगे सेल डिविजन में रोल प्ले करेगा सो दिस इज अबाउट सेंट्रोजो अब आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा माइक्रोबॉडीज को और देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में लास्ट में है एनसीईआरटी लिखती है कि माइक्रोबॉडीज बहुत सारी होती हैं सेल के अंदर मेनी और मेम्ब्रेन बाउंड है यानी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और माइक्रोबॉडीज यानी छोटी स्मॉल है और बॉडी गोल गोल वेसिकल्स हैं। पेड़ और एनिमल सेल्स दोनों में मिलती हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स एनसीआरटी में नहीं दिया पर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पर दोनों में मिलेगा प्लांट एनिमल पर स्फीरोजोम एंड ग्लाई ओनली प्लांट्स में मिलता है स्फीरोजोम को प्लांट का लाइजोजोम लिपिड स्टोरेज उसका काम होता है ग्लाई ऑयल को शुगर में कन्वर्ट करता है ऑयली सीड्स प्लांट्स में मिलता है जैसे सरसों अरंडी ग्राउंडनट एक्सेट्रा पर ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर ऑक्सीजम पेड़ों में फोटोरेस्पिरेशन सी टू साइकिल में रोल प्ले करता है एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म में सो so, सभी के अपने अपने एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक अब आइए हम बात करते हैं इन सब को कंट्रोल करने वाले मास्टर जी यानी न्यूक्लियस की न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने एटीन में बाद में इस न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल मिला साइंटिस्ट को फ्लेमिंग

टेन टू फिफ्टी नैनोमीटर ये आना चाहिए एनसीआरटी का डेटा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं एंड इट इज कंटिन्यूस विथ आर ई आर ऑल्सो नाउ दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होंगी तो बीच बीच में छेद बनेंगे न्यूक्लियर पोर ये क्यों बने हैं ताकि न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए बन रहा है

कहेंगे अल्कलाइन होता है, बिल्कुल बेसिक हमारे ब्लड की तरह साइटोप्लाज्म की तरह 7.4 का। इसके अंदर क्या मिलेगा? ये सेकेंड पार्ट हो गया इसमें दो चीजें मिलेंगी एक क्रोमैटिन का धागा और एक न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन क्या होता है क्रोमैटिन के रूप में हमारा डीएनए पड़ा हुआ है ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन प्लस थोड़े से नॉन स्टोन प्रोटीन प्लस थोड़ा सा आर एन ए ये मिलकर क्रोमैटिन का धागा बनाता है यही क्रोमैटिन का धागा जब सेल डिवाइड करेगा तो गाढ़ा हो होकर स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम बनाएगा यानी हम क्या बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन अभी डिस्टिंक्ट नहीं है इनडिस्टिंक्ट लूज नेटवर्क जाल बिखरा पड़ा हुआ है इसकी और बात मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में होती है यानी हमारा जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है इस क्रोमैटिन के रूप में पड़ा हुआ है वही सेल डिविजन के टाइम ऑर्गेनाइज होके फोर्टी सिक्स स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम्स बनाने वाला है जो डिस्टिंक्ट होंगे अलग से दिखेंगे अब न्यूक्लियोलस क्या है माई डियर स्टूडेंट न्यूक्लियोलस को ऐसा समझो न्यूक्लियस के अंदर यहीं पर आर आर एन ए बनेगा और राइबोजोम क्या है राइबोजोम आर आर एन ए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं यानी राइबोसोम को रा, आर आर एन ए आर एन ए मतलब न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स तो राइबोसोम अगर बनाना है तो आर आर एन ए चाहिए और आर आर एन ए बनेगा न्यूक्लियोलस में यानी हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम है पर राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है ये सारे पी वाई क्यूज हैं सो न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आर आर एन ए इट इज कॉल्ड राइबोसोम

इसी तरह हम हमेशा क्या सोचते हैं कि न्यूक्लियस एक सेल में एक होगा पर वो भी वेरिएबल होता है जैसे जल्दी से सोचिए कहाँ पे न्यूक्लियस एबसेंट होता है मैच्योर मैमिलियन आरबीसी एंड मेच्योर सीव ट्यूब सेल में और कहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं जैसे कि आ, मसल सेल स्केलेटल मसल सेल जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट जहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेडियल कंडीशन हमने कही थी सबको हो गया। so, यानी अब आ जाइए हम थोड़ी सी बात करते हैं क्रोमोजोम, की. क्रोमोजोम के ही कंडेंसेशन से बना है हर क्रोमोजोम में प्राइमरी यानी सेंट्रोमियर होता है हर क्रोमोजोम ऑल क्रोमोजोम और इस सेंट्रोमियर कैसे याद रखोगे क्रोमोजोम की कमर क्रोमोजोम की कमर सेंट्रोमियर इस पर दो प्रोटीन की डिस्क है जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं वहीं स्पिंडल फाइबर अटैच होता है यानी वो जगह है जहां दो सिस्टर क्रोमैटिड लगे हुए हैं सेंट्रोमियर होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर सेंट्रोमियर पर है टू प्रोटीन डिस्क कॉल काइनेटोकोर टू विच स्पिंडल इज अटैच्ड तो अगर चॉइस आएगी स्पिंडल कहां अटैच्ड है तो फर्स्ट चॉइस काइनेटोकोर तो ही होगा वहीं अटैच्ड है नाउ फ्यू क्रोमोजोम सारों में नहीं फ्यू क्रोमोजोम एक नॉन स्टेनिंग वैसे तो क्रोमोजोम का बना और क्रोमैटिन मतलब ये भी बेसिक डाई से हो जाएगा, क्योंकि इनमें बेसिक प्रोटीन स्टोन होते हैं लेकिन फ्यू में एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है और उसके कारण एक पीस बनता है फ्रैगमेंट जिसे सैटेलाइट बोलते हैं ऐसे क्रोमोजोम को सैट क्रोमोजोम बोलते हैं क्रोमोजोम नंबर मेरा नहीं तेरा तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस बाईस बाई क्रोमोजोम नंबर मेरा नहीं तेरा तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमोजोम को हम क्लासिफाई करते हैं फोर टाइप्स में बेसिस है पोजिशन ऑफ उनकी कमर यानी सेंट्रोमियर अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो दोनों आर्म्स इक्वल हैं, P और Q दोनों इक्वल हैं, बीच में है इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर इज इन द मिडिल और इन द सेंटर टू इक्वल आर्म्स इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक इफ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल तो एक थोड़ा शॉर्ट और एक थोड़ा लंबा शॉर्ट आर्म को पी बोलते हैं पी वाई क्यू है और लॉन्ग आर्म को क्यू बोलते हैं एक्चुअली पी पेटाइट चाहे पेटाइट मतलब छोटा सो इफ द सेंट्रोमियर इन द सेंटर मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म सब मेटा सेंट्रिक अगर वो एंड के पास है नियर टू एंड तो एक बहुत छोटा और एक बहुत लंबा आम बनेगा एक्रोसेंट्रिक और अगर बिल्कुल टर्मिनल एंड पर है दूर एकदम एंड पे जैसे टेलीफोन टेलीविजन टेलीस्कोप तो टीलो सेंट्रिक ये शेप्स को हम देख सकते हैं एना फेज में जिसे हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजे आए हैं इस पॉडकास्ट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आई होप आपका टिप्स पर हो गया है तीन से चार क्वेश्चंस नीट में आते हैं जो हमारे बिल्कुल गलत नहीं होंगे ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू गॉड ब्लेस यू माई डियर स्टूडेंट्स थैंक यू